हेलो मात्री दीदी, जी बोलिए आप बोलो के बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। जी नहीं बोलिए क्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल LOL में। LOL में हाँ, लाइक करो शेयर करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो सब क्रैक करो। अभी कितना हंस रहे हो मातृ दीदी, आप दोनों ऐसे क्यों? अभी उसके साथ भी हंसा करो ना, लड़ते क्यों हो? हंसे नहीं आता उसके साथ। ओह नो। क्यों? गुस्सा आता। गुस्सा आता आज लिपस्टिक काजल कुछ नहीं लगाया? तेल लगाया? आज तेल नहीं लगाया। खोलो बाल फिर ऐसे रहा। और क्या, इतना हीरोइन लगती हो। वीडियो देख के कहते बाल खोल के थोड़े ऐसे हिलाने भी होते हैं। ओए होए। अच्छा लग रहा है। गर्मी है? गर्मी है बहुत। दिल करता है समुंदर पे जाके ऐसा फ्रॉक पहन के नहा के ऐसा नाचने का गाना गाने का? देखेंगे देखेंगे, देखेंगे। चलिए चलते हैं समुंदर में, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, बाय। मातरी दीदी कैसा लग रहा है? क्या हुआ, शक्ल से बड़े खुश लग रहे हो। और सुजाता दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप दोनों का झगड़ा हुआ है? नहीं। मातरी दीदी झगड़ा हुआ है? नहीं। पक्का बताओ। आप आपस में दोनों प्यार बहुत करती हो, अगर नहीं करती तो एक दूसरे सेम कलर क्यों पहना है? सबसे पहले किसने पहना था? मैं। अच्छा, और सुजाता दीदी आपने यही कलर क्यों पहना? वही आपने बोला, बहुत प्यार करती इसलिए पहन लिया। इतना प्यार करती हो, क्या पता आपको लगता है। सो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और गोवा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लव यू जिंदगी की शूटिंग हुई थी, लव यू जिंदगी ये वाली। तो उसमें अशोक दादा ने बोला हमारे ड्राइवर ने कि उस पर रील बना सकते हो, और जो मेरे बच्चे वाली जापा है उनको इतना शौक है ये टिकटॉक ये क्या होते हैं रील वील बनाने का, बहुत शौक है। सो वो बाहर मुन्ना को लेके गई है ताकि वो देखो गाना देख रही, गाना चुन रही है कि कौन से गाने पे बनाए। और ये वो जगह है, और मातृका दीदी मेरे साथ है। मातृका दीदी कैसा लग रहा है? तो सुजाता दीदी पूरी तैयारी में है, देख रही है, और इधर मुन्ना वेट कर रहा है कि कब वो गाना ढूंढे। ए मुन्ना, 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 क्या इसी साल बना पाएंगी वो गाना? अभी तक मिला नहीं। दीदी, अरे दीदी, सुजाता दीदी इसी साल बनाना है दीदी, इसी साल। मैंने बोला इसी साल बनाओगे तो बोलते हाँ हाँ, आ गाना मिला। ये देखो, सो गाइस इधर मैं वीडियो बना रही हूँ, उधर हर्ष भी बना रहा है। So, हाय हाय भारती, ये है हमारे गोवा के ब्लॉगर। और मैं गोवा का ब्लॉगर हूँ। और तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? बस लाइव जिंदगी का रास्ता देख रही हूँ, जिंदगी का। कौन सा जगह? लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी का रास्ता है ये। सो आज हमारी सुजाता दीदी है जो जापा है, लव यू जिंदगी का रास्ता देख लिया है। ये है रास्ता लव यू जिंदगी का। सो दोस्तों, लव यू जिंदगी वाली सड़क पे हमें खड़े 1.5 घंटा हो गया है।
सुजाता दीदी का जो रील है वो अच्छे से नहीं बन रहा, कभी मुन्ना बना रहा है, कभी हमारे अशोक दादा बना रहे हैं। दीदी लव यू, डेढ़ घंटा हो गया चले। लव यू क्या रास्ते, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी रास्ते में हम लोग बहुत घंटा हो गया दीदी चले। अब चलो बहुत वीडियो बना दिया, चलो लव यू जिंदगी। सो गाइस मैं अभी शैक पे बैठी हूँ और मेरे को मातृ दीदी ने इतनी अलग सी बात कही है कि मैं आपको क्या कहूँ। अभी वो चाय पी रही है मातृ दीदी। ये किसके दूध की चाय है? गाय। वो अगर ये कुत्ते के दूध की चाय होती तो अच्छा होता, दवाई होती है? दवाई होती। कौन सी दवाई? कैंसर का। कुत्ते का दूध कैंसर के लिए अच्छा होता है? काली वाले कुत्ते का। पक्का? सुमात्रा दीदी ने कहा है जो काले कुत्ते का दूध होता है, काले कुत्ते का, वो कैंसर पेशेंट के लिए अच्छा होता है। पता नहीं ये सही है, ये सही है कि गलत है, पता नहीं है कुछ। वो मातृ दीदी ही बताएंगी या फिर डॉक्टर बताएंगे। अगर किसी डॉक्टर ने इस पे रिसर्च करनी है तो कर ले, है ना मातृ दीदी। काले कुत्ते का दूध किसके लिए ठीक होता है? किसके लिए? कैंसर। आप लोग चेक सर्च कर लीजिए, पता नहीं है। सो फाइनली हम घूम के घर आ चुके हैं। आज सुजाता दीदी ने बहुत थका दिया, गर्मी में धूप में खड़े रखा हमें लव यू जिंदगी वाली रोड पे। हम लोग डेढ़ पौने दो घंटे खड़े रहे। वो तो भगवान का शुक्र है गाड़ी थी, तो मातृ दीदी गोले को लेके गाड़ी में बैठी थी एसी में। हमारी तो वाट लगी, बीच में हर्ष भी हमें मिला, क्योंकि हर्ष खाना खाने के बाद वहाँ से निकला है एक घंटे बाद, तो हम रस्ते में ही थे तब। हम खाना खा के आ चुके थे, रस्ते में हर्ष हमको मिल गया और थका दिया यार। तो सुजाता दीदी ने, मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर एक चुलबुली जापा छुपी हुई है। मातृ दीदी अब आप ज्यादा मुंह सुजा रहे हो, बात करो उससे। बात करेगी तो बात करना। क्या हुआ? गूंगा जैसा बैठेगा तो कैसे बात करूं? दीदी बात करोगे कि नहीं? अभी तो मैं दूध पिला रही हूँ दीदी बाबा को। तो आप अपने मुंह से थोड़ी पिला रही हैं? नहीं, हाथ से पिला रही हूँ, बाबा फिर जाएगी, ज्यादा बात कर लूंगी। मैं बात करती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठती हूँ, मैं बात करती हूँ। मैं दो मिनट चुप रहती हूँ फिर बात करती हूँ, देखते हो ना। वैसे मैं गर्म नहीं रहती उसके जैसा। इधर गोवा में ज्यादा गर्म है ना, इसलिए गर्म उठा मेरा। क्या बात, बीच में अलग ही लाइन बोल देती हैं। दीदी ये भी आपको बहुत प्यार करती हैं। दीदी चलो आप इनके लिए एक गाना गा दो। इनके लिए? मातृ दीदी अपनी दोस्ती के लिए। चलो जरा सा झूम लूं मैं नरे बाबा ना, तुझी झूम लूं मैं नरे बाबा ना। बोल ना, क्यों ना ना बोल नहीं रही थी। चली क्या बोलो, मैं चली बनके हवा, रब्बा मुझे यूं ना बचा। हाय दोस्तों, हम आज होटल से बाहर निकल के बाहर लंच के लिए गए थे। मैंने और अशोक दादा ने मस्त लंच के टाइम पे एक फ्रेश हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है ना दादा, बहुत अच्छा था। और उसमें कई ऐसी डिप्स दी गई थी, जो आपको खानी है खाइए, जो नहीं खानी नहीं खाइए। लेकिन अशोक दादा ने वो भी सारी ख़त्म की है, बोला पैसा खर्चा है एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा। मतलब इतना ज़्यादा खाली और साफ की है कटोरियाँ कि जो वेटर आएगा बर्तन लेने उसको लगेगा कि मैंने खाना दिया था या मैं खाली रख के आया हूँ, तो ये होगा। और आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज ये जो दोनों है ये आपस में लड़ी नहीं है भाई। मतलब अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है लेकिन बात नहीं करती एक दूसरे से। लेकिन आज सुजाता दीदी ने काफ़ी अपने मुंह पे कंट्रोल रखा है और मातृ दीदी भी थोड़ा ऐसे ही है एटीट्यूड में। सो आज मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? आप मांग नहीं बोला तो मैं मांगा रहती। अरे यार, और मातृ दीदी आपको क्या चाहिए? वो भी बोलेगी।
किसमें? जिंदगी में तो दीदी आपने कल बनाया तो है सुजाता दीदी? नहीं ऐसे नहीं हो, अच्छा वाला बनाना है। दादा रास्ता आएगा लवी जिंदगी वाला, सब बोलूंगी ना लवी वाला जिंदगी में वीडियो बनाए हम लोग। सो लव यू जिंदगी वाला वो रोड आ चुका है जो अपना सुजाता दीदी को चाहिए था। सुजाता दीदी लव यू जिंदगी वाला आपका रोड आ गया, वीडियो बना लो। नहीं नहीं दी अभी नहीं बना ना, मेरे बच्चा सो गई है, अभी सुना उठ जाएगी, मैं ना उठूंगी तो अभी छोड़ दो, अभी नहीं करना। अरे रोड निकल रहा है दीदी, मेरे बच्चा सो गई थी अभी वीडियो। दीदी आपके कारण हम 1 किलोमीटर कहीं घूम से आया है, घूम के आए हैं। मेरा बाबा ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं वीडियो बाद में वीडियो बना दूंगी जब बाबा उठेगा तब। क्या बात है, मैं आपके इस बलिदान से खुश हुई। मातृ दीदी तालियां, मुन्ना तालियां। दादा आप ताली मत बजाओ, आप ताली मत बजाओ, वरना सारे बादलों में बैठ के ताली बजा रहे होंगे। चांद चला जाएगा, चांद। हाँ, सो सुजाता दीदी के इस बलिदान से हम बहुत खुश हुए, इस बात पे आज हम सबको आइसक्रीम खिलाएंगे। दादा रास्ते पे किसी अच्छी सी आइसक्रीम की दुकान में ले जाओ, सबको आइसक्रीम खिलाते हैं। सो दोस्तों पूरा गोवा खत्म होने वाला है, लेकिन हमें आइसक्रीम कहीं मिल ही नहीं रही, ना हमें मोची मिल रहा है कोई जूता ठीक करवाने के लिए, क्योंकि मातृ दीदी और सुजाता दीदी की चप्पल टूट गई है। मोची भाई साहब जी जैसे हमें मिलेंगे हम अपनी चप्पल जुड़वा लेंगे, क्योंकि थोड़ा गोवा में स्टाइल मार कर आई थी और रेत पे चली गई और रेत पे टूट गई चप्पल। सो हीरोइन भी बनना होता है, लेकिन अब चप्पल भी टूट गई है तो कल जो स्लीपर्स है उसके साथ वो जा नहीं सकते एयरपोर्ट, है ना। तो एक्चुअली हम आए थे 15 डेज के लिए, लेकिन हम 3-4 दिन के बाद ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है और मैं गोले को सुबह सुबह या दोपहर को लेके नहीं निकल सकती, शाम को निकलते हैं और फिर अंधेरा हो जाता है, फिर वापस आना पड़ता है। सो अभी फ़िलहाल ये बातें करना फालतू बात है, मुझे आइसक्रीम खानी है और मोची भैया ढूँढना है हमें भी जूता जुड़ाने के लिए। क्यों मातृ दीदी? चलो इसी बात पर एक गाना हो जाए, सुनाओ। बोलो बोलो नहीं। नहीं, क्या वो अच्छा वो गाना था, बोलो। गोरा गोरा मुकुड़े में काला काला चश्मा, बस बस। ये कौन सा गाना है? कौन सा गाना पता नहीं है, गोरे गोरे मुकुड़े पे काले काले चश्मा, ऐसे गाना गाना। ओके सो समझ ही नहीं आया मातृ दीदी ने क्या बोला, हमको लगा एड्रेस बता रही थी जगह का, लेकिन वो गाना गा रही थी। दादा आइसक्रीम, आइसक्रीम अभी तक नहीं मिली, ट्रैफिक मिल गया भैया हमको। सो हर्ष गोवा से बहुत लगाव है हर्ष को, मुझे भी पर्सनली गोवा से बहुत लगाव है, और हर्ष ने कहा है उसने अपना नाम हर्ष चेंज करके पीटर रख लिया है, पीटर। oh, no. और पीटर मुझे एक ऐसी जगह दिखाने लाया है। हाय पीटर। देखो मैन, हम तुमको दिखाएगा गोवा का मस्त लोकेशन। सो पीटर हमें देखिए पीछे से कोई खड़बड़ खड़बड़ हुआ। सो पीटर हम इस वक्त कहाँ है? हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लोकेशन है, देखिए। सो पीटर घबरा गए हैं थोड़ा, मैं थोड़ा देख कर आती हूँ। अरे नहीं गिरूंगी, वाह। तो हमारी वीडियो के पीछे एक लड़का लड़की बैठे हैं, वो छुप के बैठे थे, लेकिन हमारी वीडियो में कहीं कहीं वो दिख गए हैं, तो अगर उनके मम्मी पापा देख ले तो प्लीज़ उनको मत कुछ कहना, वो भी बड़े हो गए हैं और खुश रहने का हक सबको है। हम भी तो ऐसा करते थे, याद नहीं क्या तुमको बाइक में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ करती थी, कुछ नहीं, हम सीधा शादी की हमने। सो गाइस मैं अभी जा रही थी रास्ते में, हर्ष के साथ वीडियो बनाया, बट मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि ये देखो ये इतनी अच्छी जगह है और इतना कचरा फेंका हुआ है। सो मुझे पता है कि ये गोवा के लोग तो कर नहीं सकते, ये जो हमारे जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे घूमने आते हैं ये वही करते हैं। सो गाइस प्लीज़, इंडिया बहुत सुंदर है अपना भारत, और स्पेशली गोवा, गोवा में तो लोग फॉरेन से आते हैं और यहाँ से कई कई महीने यहाँ पे रहते हैं। सो प्लीज़ जो भी यहाँ पे लोग आए अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं अकेले आके खाते पीते हैं, सो कचरा वापस आप लेके जाइए और डस्टबिन में डालिए, ऐसे मत डालिए, क्योंकि बहुत 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 गंदा दिख रहा है। ये देखिए इतनी अच्छी जगह है और क्या हाल हो गया है।
क्यों हर्ष, क्या कहना चाहोगे? खराब हो गया बहुत ज्यादा यार, इतना खूबसूरत है आप देखो यार, ये व्यू कहीं बाहर होता, कहीं मायामी में होता या कहीं बाहर होता तो ये ऐसा नहीं होता। हाय गाइस, फाइनली हम गोवा का ट्रिप जो हम 15 डेज का करने गए थे वो हम आधा ही करके वापस आ गए हैं, क्योंकि गोवा में बहुत 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 गर्मी थी और मुझे लगता है कि ये गलत टाइम है गोवा जाने का। सो मैंने अपना बोरी बिस्तरा और अपना बच्चा और अपनी दोनों हाउस हेल्प उठाई और मैं आ गई। हर्ष अभी गोवा में ही है, चिल मार रहा है क्योंकि वो कुछ राइटिंग का काम कर रहा है। सो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं गोले को लेके आ गई क्योंकि घर जाना है वापस। अगर होटल के कमरे में ही रहना है तो इससे अच्छा फिर घर के कमरे में रह लो। सो ये बहुत सारी पैकिंग है जो अनपैक करनी है, आधी की आधी नहीं, गोला सो रहा है और वापसी बहुत मुश्किल से आया है। वैसे तो हमने 2 बजे घर आ जाना था लेकिन हम 7 बजे आए हैं क्योंकि जो हमारी फ्लाइट थी उसमें किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, एंग्जाइटी हो गई थी तो हम रनवे पे गए, वहाँ से फ्लाइट वापस आई, मेडिकल हेल्प आई, उनको चेक किया, उन्होंने बोला ओके आप टेक ऑफ करो, मैं ठीक हूँ। देन दूसरी बार जब हम रनवे पे फिर गए तो फिर उनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया कुछ, या वो कोलैप्स हो गए, कुछ तो हुआ क्योंकि मैं आगे थी और वो पीछे थे, बहुत इमरजेंसी हो रहा था। मैंने फिल्मों में ही देखा था, मैं डर गई, एक तो बच्चा हाथ में था, बट फिर उनको नीचे उतार दिया गया फ्लाइट से, एम्बुलेंस आई, उनकी मेडिकल हेल्प हुई, फिर हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई। और तो फाइनली हम यहाँ पे 5, 5:30, 6 बजे लैंड हुए। अब घर आए नहाकर, अभी मैंने बोला चलो वीडियो का एंड कर दूँ, मैंने गोवा में एंड किया। घर का माहौल थोड़ा शांति वाला है, दोनों आपस में लड़ी हुई है, बात नहीं करती, लेकिन मुझे ये पता है ये दोनों बड़ी सहेलियाँ हैं। अभी देखना मैं बात कर रही हूँ ना तो दूसरे कमरे में पक्का दोनों अपना वीडियो बना रही होंगी डांस करते करते। तो इनका ये जो वॉर है वो चलता ही रहता है, पॉपकॉर्न की तरह है, फूटता ही रहता है लेकिन फिर ठंडे भी हो जाते हैं। सो मुझे अच्छी लगती है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ये वो सब, बट बच्चा तो चलो बड़ा होकर सीख जाएगा कि ये अच्छी बात है, ये गलत बात है, या अभी से हम उसको सिखाना शुरू कर रहे हैं। बट मैं इन दोनों को किसी को भी जॉब से नहीं निकालना चाहती क्योंकि ये दोनों को बहुत जॉब की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरतमंद है, इनकी फैमिली है जो इन पर डिपेंड है। सो एक ये मस्ती मजाक है जो आपस में ये करती रहती है, जैसे दो बहनें करती हैं, देवरानी जेठानी करती हैं, सास बहू करती हैं, फिर नोक झोंक, फिर प्यार भी केयर भी, तो वो है। तो मैं इनको अभी बिल्कुल भी काम से नहीं निकाल सकती। अभी क्या, जब तक इनका, जब तक इन्होंने कहा है कि मैं 1 साल कोई 6 महीने, तो उतना ही करेंगे काम। और बस आप हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बस वीडियो देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल LOL लाइफ ऑफ लिम्बाचिया सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर दीजिए, और मुझे और हर्ष को और गोले को बहुत सारा प्यार दीजिए। और बस गोला हम आपको दिखाने वाले हैं।